गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और घरों पे रह रहे होंगे। और हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। बाकी बच रहे हैं 8। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत अच्छा वेदर हो रखा है। पीछे आसमान देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें ना मुझे सांस नहीं आती है, पर क्या करें, बाद में लगा लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई है और हम लोग मॉर्निंग में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज मॉर्निंग में रश कम होता है, सो कम चांसेस हैं लोगों के कांटेक्ट में आने के। कॉस्को में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। लास्ट टाइम मैं गई थी, 2 बार गई हूँ, दोनों बार बाहर से वापस आ गई। लाइक 10 बजे गए थे या अराउंड 10 और 12 गई थी 2 बार। इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, लाइक बिल्डिंग के अराउंड ना ऐसे करके लाइन बनी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा रश। मतलब अभी तो लोग लाइक स्टॉकअप भी करना छोड़ दिया लोगों ने, फिर भी इतना ज़्यादा रश क्यों है? आई रियली डोंट नो। और मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा उभर कर दिख रहे हैं, और कुछ दिखे ना दिखे इस वीडियो में मेरे पिंपल्स ज़रूर दिखेंगे। एनीवेज बहुत ज़्यादा लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रखी है इस कोरोना वायरस की वजह से। हु नोज़ कि ये कब जाएगा कि नहीं जाएगा, कब सब कुछ नॉर्मल होगा। वी होप कि सब कुछ जल्दी नॉर्मल हो, बट ऑन दी अदर हैंड साइड अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचें तो ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, बिकॉज जब तक वैक्सीन नहीं आती है देर इज़ नो चांसेस कि सब कुछ नॉर्मल हो, नॉर्मल पटरी भी आए, बिकॉज केसेस बढ़ रहे हैं। सो हम लोग पहले जा रहे हैं सुपर स्टोर, बिकॉज कॉस्को का जो टाइम है वो 9 बजे खुलेगा और हम लोग घर से 8 बजे चल पड़े। सो इसीलिए हम लोग पहले जाएंगे सुपर स्टोर, वहाँ पर ग्रॉसरी कर देन जाएंगे कॉस्को, और उसके बाद जाएंगे देसी स्टोर है, वहाँ से आटा और चावल उठाने हैं क्योंकि आटा और चावल के एक एक बैग रह गए। और हम लोग बैकअप में मोस्टली जो है, नॉट कि हम लोगों ने अभी शुरू किया है कोरोना वायरस की वजह से, मोस्टली जो है मैं बैकअप लाइक 2 का रखती हूँ पीछे कि 2 होने चाहिए। तो हमारे पास 1 रह गया, तो मैं उसको अगर मैं बकेट में डाल दूंगी तो मेरे पास एटलीस्ट 2 रहने चाहिए, बट हम लोग 1 एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। सो उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे, देन जाएंगे घर। बहुत काम है करने वाले, और एक कहते ना छोटी सी जान और इतने सारे काम। तो आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों की लाइफ है जो वो कैसे डिस्टर्ब हो रखी है कोरोना वायरस की वजह से, कैसे अफेक्ट हुए हैं आप पर इस कोरोना वायरस की वजह से। हम लोगों के तो इतने ज़्यादा प्लान जो है वो कैंसिल हो रखे हैं। हम लोगों ने मैक्सिको का ट्रिप जो है वो प्लान किया हुआ था, हम लोग लाइक मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट तक सोच रहे थे। और मैंने तो अपना जो वीज़ा है, लाइक हमारे पास वर्क परमिट्स हैं बट हम लोगों ने स्टैम्प्स नहीं ले रखी हैं अपने पासपोर्ट पे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज ऐसा कुछ स्पेशल इवेंट या ऐसी कुछ स्पेशल ओकेजन नहीं आ रहा है कि हम लोगों को इंडिया जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े। और मेरा वीज़ा जो है वो लास्ट ईयर ही रीन्यू हो गया था, बट मैंने स्टैम्प नहीं ली थी। तो मैंने सारे एप्लीकेशन फॉर्म भी भर लिए थे, लाइक हम लोगों ने मैंने प्लानिंग की थी फेब में, और हम लोग के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो भरे के भरे रह गए। बस फीस नहीं पे की थी बिकॉज तब कोरोना वायरस का थोड़ा सा हम लोगों को पता लगा था कि हाँ कोरोना वायरस ऐसे है वैसे है, और इसीलिए मैंने फीस नहीं पे की थी कि कुछ दिन देख लेते हैं, बिकॉज उसको 1 मंथ लग जाता है ऑलमोस्ट जब आप लाइक वीज़ा स्टैम्प के लिए अपने जो पासपोर्ट है वो सबमिट करते हो। सो इसीलिए मैंने नहीं करवाया था, और मेरा जो प्लान है मैक्सिको का वो कैंसिल हो गया, बिकॉज हमारे पास 1 जाने का फ्री ट्रिप था। हम लोगों ने जाना तो न्यूयॉर्क था, बट हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग सितंबर में न्यूयॉर्क जाते हैं और अप्रैल में हम लोग मैक्सिको हो आते हैं। सो मेरे पास फ्री ट्रिप था, मुझे अमेजोन ने दिया था, और मेरे हस्बैंड का खर्चा होना था, तो हम लोगों ने सोचा कि 1 जने का मतलब खर्चा करना है और हम लोग फ्री में हो आ सकते हैं। सो क्या करें, अभी वो ऐसे ही ट्रिप रह गया हमारा, अभी हम नहीं जा सकते हैं। मेरे सपनों पर तो पानी फिर गया, बट आई होप कि सब कुछ ठीक हो। और आप लोग भी मुझे बताना कि किस किस का जो ट्रिप है वो कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल हो गया है। मेरे तो 2 ट्रिप जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। 1 तो पूरा का पूरा अप्रैल गया, क्योंकि मेरा देवर जो है वो इंडिया गया था और हम लोग इंडिया नहीं गए थे। वो उसको लाइक काफ़ी टाइम हो गया था कि वो नहीं गया था, उसकी PR भी हो गई, देन हम लोगों ने सोचा कि उसको जाना चाहिए, और घर की शादी भी थी तो 1 पंथ और 2 काज हो जाएंगे, इसलिए वो चला गया। और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड का वीज़ा जो है वो लेट आया, सो इतना टाइम पीरियड नहीं था कि हम लोग स्टैम्प्स लगवा सकें, बट मुझे ये था कि वो गया तो मुझे भी जाना है, और मुझे इंडिया नहीं जाना है, मुझे मैक्सिको जाना है, बट क्या कर सकते हैं। और मैं पहुंच गई हूँ सुपर स्टोर, बहुत कान खाए हैं मैंने, और अभी चलते हैं
ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कैसे है। बहुत सारी कार्स लगी हुई हैं, लाइक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट लोग भी हमारी तरह ही सोचते हैं कि मॉर्निंग में जाते हैं लोग कम होंगे, रश कम होगा, बट कहाँ पे, अगर हर कोई ऐसे सोचेगा तो मॉर्निंग में ही सबसे ज़्यादा रश होगा। सो मैं आपको मिलती हूँ अंदर। सुपर स्टोर से हम लोग आए थे फ्रेश स्टोन, बिकॉज आटा जो है वो सुपर स्टोर में $15 का लगा हुआ है। सो हमने सोचा कि यहाँ पर $11 का मिल जाता है ऑलमोस्ट, सो हम लोग यहाँ से ले लेते, बिकॉज अगर एक बैग उठाना है तो मतलब तो 15 का ले भी लो, अगर हमने 3-4 उठाने हैं सो थोड़ी बहुत प्राइस देखनी पड़ती है, बट हम लोग का इरादा नहीं था, इसलिए हम लोग कॉस्को जा रहे हैं, बिकॉज कॉस्को में हम लोग को ज़्यादा सामान लेना है और वहाँ पर सबसे लंबी लाइन मुझे लगती है जो कॉस्को में वहाँ पर अटका हुआ है, क्योंकि मुझे पहनना नहीं है, सफोकेशन होती है। सो कॉस्को में सबसे लंबी लाइन लगी होती है। मैंने व्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाई अंदर क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो थके हुए हैं, सो इतनी मची हुई है क्योंकि उन्होंने रेस्ट करनी है और मैं उनको ग्रॉसरी के लिए ले आई। गलती तो मेरी है बट क्या कर सकते हैं, ये भी काम करना ज़रूरी है। और अभी देखते हैं कॉस्को में कितनी लंबी लाइन है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन होगी, बिकॉज ऑलमोस्ट 9:30 हो रहे हैं। पिछली बार मैं 10 बजे गई थी और लाइन देखने वाली थी, सेम कॉस्को था। पर लेट्स सी आज कितनी लंबी लाइन है, आई होप कि लंबी लाइन ना ही हो इतनी। सो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी लंबी लाइन है। और अभी काफ़ी ज़्यादा रिपेयर चल रही है यहाँ पे रोज़ की, क्योंकि समर शुरू होने वाला है और टाइम अच्छा है, हाँ जी, और इसी टाइम में रिपेयर हो जाएगी क्योंकि सड़कों पर गाड़ियाँ बहुत कम हैं, सो उसकी वजह से उनको भी टाइम मिल रहा है और अच्छी रिपेयर कर रहे हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा रिपेयर चल रही है, एवरी लाइक आफ्टर 2 डेज हम जहाँ पे रहते हैं जिस एरिया में वहाँ पर लाइक रिपेयर चलती है। सो मैं आपको दिखाती हूँ लाइन। ग्रॉसरी कर वापस आए हैं हम लोग 3 स्टोर गए थे जैसे मैंने आपको बताया था। सो ग्रॉसरी करने में बहुत टाइम लगता है मुझे, कभी कभी ग्रॉसरी करना लाइक
सर दर्द लगती है यहाँ पर अगर आप अकेले हो, और अगर ग्रॉसरी आपको किसी और की करनी नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की ग्रॉसरी जो है करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं उनको एक चीज़ लाने के लिए बोलूँगी तो जो चीज़ मैंने बोली होगी लाने के लिए वो चीज़ नहीं आएगी, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने नहीं बोली होंगी। सो वो डबल काम पड़ता है मुझे, तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि उनको भेजूँ ग्रॉसरी के लिए या लाइक अपने देवर को भेजूँ, इसलिए मैं खुद जाना प्रेफर करती हूँ। सो जैसे कि आपने देखा बहुत सारा सामान है, और ये जो हमने आज ग्रॉसरी की है दैट इज़ ऑलमोस्ट फॉर वन मंथ, आई थिंक हम लोग का एक महीना निकल जाएगा। सिर्फ सब्जियां जो है वो फ्रिज में ख़राब होती हैं, तो सब्जियों के लिए हमको जाना पड़ेगा। सो मे बी $40-$50 की हम लोग दोबारा सब्जियां लेकर आएँ, क्योंकि सब्जी हम लोग इतनी लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जी जो है फ्रिज में उसको कहते हैं ना फंगस लग जाती, उल्ली लग जाती है, जैसे अगर करेले लेकर आए या भिंडी लेकर आए हैं। सो वो नहीं मैं इतनी ज़्यादा प्रेफर करती, वो यहाँ पास में स्टोर है तो मैं कभी कभी चलकर भी ले आती हूँ शाम को लाइक काम पे जाने से पहले। सो एक चीज़ रह गई है मेरी, मैंगो आ रखे हैं, और जो पंजाबी स्टोर पर आते हैं मैंगो वो जो है वो टेस्टी हैं, और जो सुपर स्टोर और बाकी स्टोर्स में मिलते हैं वो मैक्सिकन है, मैक्सिको से आते हैं वो वाले सारे मैंगो। और जब भी मैं मैंगो लेती हूँ उसके ऊपर लिखा होता है अगर लाइक मैंगो मैक्सिको के हैं, सो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो इंडियन मैंगोज जैसा है ही नहीं। सो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि इंडियन स्टोर से लेके आऊँ, बिकॉज उनके मैंगोज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर किसी ने ट्राई नहीं किए हैं और कैलगरी में रहता है तो वहाँ से ट्राई कीजिए, बिकॉज जब मैं कामलूस में थी तो मैं लाइक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैंगोज, खाने अच्छे लगते हैं, मुझे शेक अच्छा नहीं लगता है। मैं वहाँ से लेकर आई थी, एक दो बार मैं लेके आई हूँ, ट्राई किए हैं मैंने अलग अलग स्टोर से, सो वो सही नहीं निकले थे, इतने गंदे लाइक मुझे फेंकने पड़े थे, क्योंकि अगर मैंगो मीठा नहीं है और जो हम टेस्ट बचपन से खा रहे हैं अगर वो टेस्ट ना मिले तो आपका खाने का मन नहीं करेगा। सो वही हुआ मेरे साथ, मेरा खाने का मन नहीं किया सो मैंने वो फेंक दिए। बाहर लगी है धूप और मैं बैठी हूँ सीढ़ियों में, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे सामान पड़ा हुआ है। मैं सोच रही थी कि धूप में बैठूँ कुछ देर, बट अभी मेरा काम बहुत है करने वाला, लाइक सामान लगाना है, बर्तन साफ करने, बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ गई थी बिकॉज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और हम लोग चले गए। उन्होंने मैंने बोला था कि मैं आपको लोगों को ग्रॉसरी स्टोर के अंदर लेकर जाऊँगी, बट मैं अंदर लेकर नहीं जा सकी बिकॉज लाइक बहुत मुश्किल था। चिढ़ रहे थे मेरे हस्बैंड जो है कि लाइक वीडियो बना रही है जल्दी कर, सो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने नहीं बनाया, बिकॉज वो लाइक अगर इंसान सोया ना हो तो उसको ऐसे ही होता है, लाइक अभी 12 बज रहे हैं और सही रात काम कर आए हो, सो ही इज़ वेरी टायर्ड, सो दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई और मैं प्रेफर भी नहीं करती बिकॉज लाइक ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल, सो दैट्स वाई मैंने शूट नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। बट इन केस अगर मैं नेक्स्ट टाइम ग्रॉसरी करने गई सो आई विल ट्राई टू शूट एवरीथिंग। बट वहाँ पे एवरीबॉडी वॉज वेयरिंग मास्क और ग्लव्स तो ऑलमोस्ट सबने पहने हैं, मास्क बहुत कम लोग पहनते हैं, मुझे भी मास्क में बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। बट अभी मुझे जब हम लोग कॉस्को से आ रहे थे तो दे सेड कि दिस मंडे लाइक कमिंग मंडे उससे वो लोग कंपल्सरी कर रहे हैं कि हर कोई जो स्टोर में एंटर करेगा उसको मास्क पहना हुआ ज़रूरी है, कंपल्सरी कर रहे हैं। ग्लव्स तो है ही है, ग्लव्स तो हर कोई पहनता है, अभी मुझे लगता है वो मास्क और ग्लव्स जो है वो कंपल्सरी कर देंगे। और हर स्टोर पे यहाँ पर लाइक लाइन लगी हुई है और गेट्स पर सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपको पहले सैनिटाइजर देती है, अपने हाथों पे लगाती हूँ, देन यू कैन एंटर इनसाइड व्हिच इज़ गुड। और आई थिंक ये काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहने वाला है जब तक कि सब कुछ नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल होना इतना आसान नहीं है फिलहाल तो हम लोग यही कह सकते हैं, बट लेट्स होप कि सब कुछ ठीक ठाक हो। सो गाइज ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं अपना काम शुरू करती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। पर उससे पहले कहीं भी जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।